इस तो पहला वाले बजट नौ बजट पेश कर गया जी एक बंदा। कांग्रेस वाले बजट से बोलते मैं तरस आई जाता इन्हें, तुम तो बजट पेश किया ही नहीं पांच साल, तुम तो डेपूटेशन से लियाई सी एक वित्त मंत्री, वो पांच बजट पेश करके हो गया पंगा थोनू पा के दे जाओ जवाब। हूँ बथेरा राजा बड़े पिटिया ना दो इन्हों। बड़े साहब कहते हैं कि मैं जो छोटा हों मैं रेल के डब्बे चाह बेचता हों, जो मैं बड़ा होया मैं रेल के डब्बे ही बेचता, रेल बेचती, तेल बेचता, एयरपोर्ट बेचते, बैंक बेचती, एल आई सी बेचती, सारा कुछ बेचता, खरीदया की है थोड़ा जा मीडिया। फाइव स्टार वाले नहीं जाते महला क्लीनिक, वो हाइपर टेंशन दोलियां ने वो तो उन्होंने घर ही पईं होंगे इनिया कता। कांग्रसियों मैं याद करा चाहना, जोड़ा थोड़े तो राज आखिरी तीन साल थोड़ा प्रिंसीपल से वो अमरीका गया सी पी एच डी कर चनी। वो कहना मैं पी एच डी कर गया हो पी एच डी करके आया है, वह पता करते हैं की सीख के आया, उस तो बाद अमरीका भी भेज दिया करा जी। चाहे यूनियन बजट हो, बीजेपी वाले बोल रहे थे कि बड़ा प्यार है बीजेपी नूं पंजाब नाल, कहा सी ना बहुत ज़्यादा मुहब्बत करते हैं बीजेपी नूं पंजाब नूं। पहली गल तो जिहड़ा यूनियन बजट है उहदे विच पंजाब दा ना ही नहीं सी किते। नंबर दो, जी इन्नी मुहब्बत करते हो तो 26 जनवरी नूं साडी झाकी क्यों कढ़ती जी विचों, पंजाब की झाकी कढ़ के तुसीं आजादी दे जशन मना लोगे। कई अजे भी आए बड़े चुप चाप जे बड़े साऊ कहाउंदे रहे, पर पंजाब नूं ऐसा मांझा लाया उन्होंने कि पता ही नहीं लग्या। उहदे वास्ते तां इक बड़ा वधिया इक ओ किसी ने कहा कि भेडू वांग हलीमी तेरी जात दिया वगैरा। इस तो पहला वाले बजट नौ बजट पेश कर गया जी एक बंदा। कांग्रेस वाले बजट से बोलते मैं तरस आई जाता इन्हें, तुम तो बजट पेश किया ही नहीं पांच साल, तुम तो डेपूटेशन से लियाई सी एक वित्त मंत्री, वो पांच बजट पेश करके हो गया पंगा थोनू पा के दे जाओ जवाब। हूँ बथेरा राजा बड़े पिटिया ना दो इन्हों, मने ही नहीं कहे दी बथेरा कहा सुखविंदर ने भी होरने सी टकसालियां, ओए टकसालियां मने ही नहीं। सो हुण तुहाडे तो गल पै गया जी, तुहाडे तुसीं तो हुण मतलब छड़ते इस गल ते भाई लांबे लई जाओ की करिए। सो मैं अज मैं सुनता सी, मैं पुराना पा लिया, मैं क्या भी कोई बजट दे विच उन्हां दे बजट दी स्पीच भी सुनी मैं, वो शुरू ही लहू तो करते हैं पंजाब की धरती लहू चाहती है, लहू कित्थे चाहती है जी, ये लहू नाल लिखण वाले लफज है, कित्थों लहू नाल लिखिए, बथेरा लहू बह लिया पंजाब जी। कोई बजट की गल करो, एदू पहला वाला बजट ये बड़ा सौखा बजट है जी, सीधा जिहा बजट है जी, 26% वाधा है जी बजट च, लगभग 2 लाख करोड़ के नेड़े लै गए, 20% वाधा खेती के बजट च है जी, 12% वाधा सिक्ख्या के बजट च है जी, 42% वाधा ट्रांसपोर्ट के बजट है जी, 36% वाधा रोजगार से स्किल डिवेलपमेंट है जी, 11% वाधा सेहत के परिवार भलाई है, मेन मेन दस रहे हैं, बाकी सारा चीमा साहब ने दसता। लोगों ने आ जिहड़ा फिजिकल डेफिसिट आ जिहड़ा पर कैपिटा ये लोगों नाल तुसीं गल करके देखियो, अद्धा घंटा बोली जाए अद्धे घंटे बाद लोग कहणगे आ जो बोल लिया ठीक है, मैनू ये दस मैनू दिहाड़ी मिल जू कल नूं, कोई चीजा महंगिया तो नहीं होणगियां, बिल्कुल ठीक। लोगों की भाषा च क्यों नहीं बोलते जी, जो लोगों नूं समझ आवे। आ बजट लोगों का, यह बजट आम लोगों का, आ फर्क है बस, आम लोगों का बजट है। और बीजेपी वाले चले गए अश्विनी जी, वो कहंदे सी नाले ते सेंटर नूं निंदते हो ते नाले सेंटर तो मंगते हैं, स्पीकर साहब भीख मंगते हैं, हक मंगते हैं, सेंटर का फर्ज है बिना मंगे दे दे, GST असी इकट्ठी करके दिने, उस सारा अमला साडा है, साडे GST दे अफसर जिहड़े साडे GST दे मुलाजम जिहड़े ने वो पैसे इकट्ठे करके दिंदे सेंटर नूं, बाद असीं कहिंदे साडा हिस्सा दे दो कृपा करके। ये किहड़ा कानून है जी, हजे तक GST समझ नहीं आई व्यापारियों, व्यापारियों GST समझ नहीं आई जी की होंगी है, कि काते लगती है,
ਇਹ ਤਾਂ GST ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੇਲੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੇਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇਹ GST ਹੈ ਇਹ GST ਹੈ ਹੈਗਾ ਨਿੰਮ ਲੱਗੇ ਕੇਲੇ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ GST ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀ ਕੀ ਰੇਵੜੀ ਬਾਂਟਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਫਰੀ ਕੀ ਰੇਵੜੀ ਬਾਂਟਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਫਰੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ 300 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਦੇ ਸੀ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਉਹ 150 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਫਰੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਰੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਪੜ ਕਿਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਆ ਜੂਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰੇਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ ਤੇਲ ਵੇਚਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ LIC ਵੇਚਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬਸ ਨਤੀਜੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 2022 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹ 1 ਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 1 ਵੇ ਸੋ BJP ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 40% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SC ਲਈ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 13,000 ਜਾਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ 80% ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਝੁੱਬੀ ਝੋਕੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ 5-star ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਖੱਬੇ 100 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10-12 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਕੂਲ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
पहला कम्यूनिटी हाल होंगे सी, कम्यूनिटी हाल में आप एक नवा ना दे दिए, एक मैरिज पैलेस टाइप, एक जंज घर ज समझ लो भी एक इस तरह का एक एक बिल्डिंग बनाइए जिथे लोग अपने दुख सुख के प्रोग्राम भी कर लिया कर, अपने ब्याह शादियां भी कर लिया कर। यदि एक एग्जाम्पल है महल कल हल्के का पिंड है चननवाल, एम एल ए साहब बैठे ने चननवाल के मुंडिया ने सत्कार कमेटी बनाई हुई है, उन्होंने आप ही कम करते बहुत अच्छी कमे मुंडे वो डिवेलपमेंट का काम करते, तो किसी पार्टी ना नहीं जुड़े हुए हो, तो उन्होंने एक मैरिज पैलेस बनाया, बड़ा शानदार मैरिज पैलेस है, मुंडा कुड़ी के तैयार होने रिश्तेदार के बैठने पिछे कमरे ने सारा कुछ है। उन्होंने जनरल कैटेगरी वास्ते 5,000 तो एस सी कैटेगरी वास्ते 2,000 या 2,500 रुपया लेंदे ने, बाकी तुहाडा अपना वित्त जिहड़ा वो खर्चा है, तुसीं उत्थे व्याह करो, क्यों असी उत्थे 2-2 लाख रुपया 4-4 लख रुपया ला के करजाई हो जाने। सो पिंडां दे विच असी इह आइडिया लैके आना चाहते हाँ कि आप जिहड़े दुखां सुखां दे भोग पाउणे पाठ दा जां पिंड ने कोई सांझा प्रोग्राम करना कर लो, उत्थे पंचायत ने बहना ग्राम सभा बनाउणी है बुला लो, उत्थे उत्थे स्पीकर लगे होण सब कुछ होवे। सो थोड़ा जिहा पिंडां दे विच जिहड़ा फालतू खर्चे ने उन्हां नूं आपां जे इधर करन च कामयाब हो गए तां बहुत बड़ा भला होऊगा। बाकी असी गरीबां बारे दिहाड़ीदारां बारे असी हर वक्त सोचते हाँ, क्योंकि ये बजट जिहड़ा दिहाड़ीदारां दा भी है, ये बजट जिहड़ा ये दुकानदारां दा भी है, ये किसानां दा भी है, ये एम एस एम ई वालां दा भी है, ये व्यापारियां दा भी है, ये ट्रांसपोर्टरां दा भी है, ये बजट आटो रिक्शे वालों का भी है, सारे का बजट है, ये स्टूडेंटा का भी है, ये सिक्ख्या दे विच, ये मैडिकल साइंस का भी है, कोई वर्ग असी छड्डिया नहीं। आ हुणे हुणे दस रहे सीगे जनाब जी तुसी कहने हो कि कर्जा ले लिया, तुसी ये क्यों नहीं कहिंदे कि असी इन्ना कर्जा ला भी दिता, 36,000 करोड़ जे ना मोड़ दे बस तो फिर तुहानूं तां अंकड़े दिखाउणे हुंदे तां जीरो करके दिखा देंदे भी इन्ना मैं अच्छा 30,000 तां तुहाडा है असी नहीं दिंदे इहनूं, असी थोड़े मिर्जा गालब के बीजे हुए कंडे भी चुग रहे हैं। वो 15,000 मूलधन मोड़िया, 15,900 समथिंग, 20,000 वह ब्याज मोड़िया, यदा मतलब असी बिजली फ्री करके भी, असी स्कूल मुहला क्लीनिक बना के भी, असी 26,797 नौकरियां दे के भी असी करजा मोड़न की पोजिशन चाहे, यदा मतलब गड्डी पहले साल ही ली तो चढ़ा ली आर्थिकता वाली, ये बारे नहीं बोलते। ये तो पहला की होंदा रहा, शीशा उत्ते धूड़ा जमिया कंधा झाड़ी जाते रहे, शीशा उत्ते धूड़ा जमिया कंधा झाड़ी जाते ने, जिलदा सांभी जाते ने, वरके पाड़ी जाते ने, जौंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाढ़ी जाते ने, ओए उन्हां दा भी तू ही रब है मैनू जवाब तो दे जिहड़े दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते ने। स्पीकर साहब जिन्होंने दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाके रोटी कमाउणी है ना उन्होंने पुछ के देखो, क्योंकि वह तो जे दिहाड़ी ते जाऊगा तो रोटी पकूगी, वो कहदी दिवाली है जी, वह बच्चा तो बगानियां दी आतिशबाजियां बगानियां दे पटाके देख के मन परचा लैंदा जी। बहुत लोग इहो जिहे ने जिहड़े दिवाली वाले दिन जां जिहड़े जिन्हां वास्ते त्यौहार कुछ मायने नहीं रखदा, सिर्फ आथण दी शाम दी रोटी मायने रखदी है, असीं उहनां बारे सोचदे हां जनाब, असीं उहनां नूं जाणदे हां जनाब, असीं उहनां घरां दे नक्शे जाणदे हां जनाब, उहनां दीआं जिहड़ियां महिलावां ने उन्होंने इनू रख रख सिर ते गंज पै गए जी, इनू का निशान पै गया, इनू का हर वक्त सिर ते बठड़, हर वक्त सिर ते घड़ा, हर वक्त सिर ते कदे चरी दी पंड, कदे लक्कड़ का बालन लियाउण वालीआं पंड, हर वक्त कोई वक्त इहो जिहा नहीं जदों उन्हां दा सिर खाली होवे। उन्हां दे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते सर, उन्हां दे बच्चे कोई डीसी बन जाण, उन्हां दे बच्चे जिहड़े ने ओह कितें नौकरियां ते लग जाण, उन्हां घरां दे नक्शे बदल जाणगे। आपां कोई 600 यूनिट बिजली दे के जां उन्हां नूं कोई नीला पीला कार्ड बना के उन्हां दी गरीबी नहीं चक सकते, आपां एजुकेशन ना उन्हां दी गरीबी चक सकते हां, क्वालिटी एजुकेशन। हुण एजुकेशन की गल चली है, कांग्रेस के एक भाई साहब कहिंदे सीगे, कहिंदे भी सिंगापुर क्यों भेजे ने, सिंगापुर तो 21वें नंबर पर है प्रिंसीपल ट्रेनिंग वास्ते, सिंगापुर क्यों भेजे ने, अमरीका क्यों नहीं भेजे। कांग्रसियां नूं मैं याद करवाउणा चाहुंदा, जिहड़ा
तुहाडे राज दे आखिरी 3 साल थोड़ा प्रिंसीपल सी वह अमरीका गया सी PhD करन चन्नी वो कहना मैं PhD करन गया होया उत्थे ते PhD करके आया है वह तो पता करते हैं की सीख के आया उस तो बाद अमरीका भी भेज दिया करांगे जी थीसिस की सी कांग्रेस दा चढ़ा ते उतरा और गया उदों कहिंदा उहदे कारण लभण गया कि कांग्रेस की चढ़ाई दे की कारण सी ते उतराई दे की कारण सी मैं कहा एक कारण तां तूं ही सी गरीबां दा नाम लैके भाणजां भतीजां तों खजाने मिलते ने कौरू वाले उहनां दे घरों ते हुण भी धर्म का नाम वरत्या उन्होंने कि मैं गुरु रविदास जी के कीर्तन से जाना सी भगवंत मान ने मेरा नाम लेता ता करके इतने रुक गया मैं जनाब जी जिदे हो बोले ने उदू 3 दिन पहला दा लुकआउट नोटिस है मैं क्यों रोकूंगा भाई किसी जाओ कैलीफोर्निया जाओ जिथे तुम जाना है फिर धर्म का नाम लेंदे ने हर गल पर पहला बयान देने तो पहला सोच लिया करो हर बंदा कहता देखो जी ये तो बजट तो ध्यान हटाना चाहते ने LOP साहब बोल रहे थे बजट तो ध्यान हटाना चाहते ने इस करके चन्नी ते LOC असीं तां बजट ते ध्यान दवाना चाहते भी इन्ना वधिया बजट असीं ध्यान हटाना क्यों है भी हर गल च ना राजनीति करिया करो सो जिहड़ा पैसा है ये जे तां होवे किसे दा जनाब फिर तां आपां खर्चण वेले मिंट नहीं लाउंदे अद्धा ते जे होवे अपना फिर लगता पता फिर दुकानदार करदे आ अद्धे घंटा उहदे नाल बहस भी ऐं को करदा यार ठीक ठीक ला ला 6 महीने तो इत्थों ही सौदा लैंदे आ यार ऐं को करदा यार तू आ वो फलाना तो ऐं कहिंदा मैं इहदे च एग्जाम्पल दे दिंदा कि आम आदमी पार्टी दी सरकार ते भगवंत मान पंजाब दे बजट दे 1-1 रुपये नूं की समझदा उहदी की वैल्यू समझदा 1 रुपये दी जिहड़ा खजाने दा पैसा है एक बंदा सी उहदा मुंडा नलायक सी नहीं कम करता सी उहने अनाउंस करता जी मैं तां सारी जमीन जिहड़ी है वह गुरुद्वारा साहब दे नाम लाऊंगा बशर्ते कि मेरा मुंडा 100 रुपया कमा के लिया रिश्तेदार आ गए वह कहिंदे तेरा बापू जिद्दी है इन्हें तेरी सारी जमीन लवा देनी है तू 100 रुपया कमा लिया वह हुण कम करन दा आदी है नहीं सी नलायक सी निकम्मा सी वह गया रिश्तेदारां दे प्रैशर च किसे तो उधारा मंग लिया 100 रुपया बापू नूं देता बापू ने 100 रुपया टुकड़े टुकड़े करके थले सुट्टता मुंडा इदा खड़ा रहा कहिंदा हाँ जी दसो बापू जी हुण बापू कहिंदा 100 रुपया होर कमा के लिया अगले दिन फिर गया स्पीकर साहब हुण हर रोज़ तो उधार भी नहीं मिलता 50 रुपये का कोई बल्लो बुल्लो बेचता 50 रुपये इधरों उधरों होर जुगाड़ कर लिया 100 फिर लिया कम नहीं किया बापू ने फिर टुकड़े टुकड़े करके 100 रुपया थले सुट्टता मुंडा खड़ा रहा कहिंदा हुण बापू जी दसो वह कहिंदा 100 होर कमा के लिया स्पीकर साहब जो तीजे दिन उधार भी बंद हो गई चोरी भी बंद हो गई सारे हीले वसीले बंद हो गए तो तीजे दिन सच्ची मुची सड़क ते रोड़ी कुट के दुरमट नाल सारा दिन जिहड़ा वह पैसे कमाउण ते लग गया 100 रुपया 100 रुपया लिया के जदों फड़ाया जदों वह नोट बापू ने पाड़ के सुट्टिया मुंडे ने कल्ला कल्ला टुकड़ा थल्यों चक्या कहिंदा बापू क्यों पाड़ के सुट्टदा है हत्थां ते छाले हो गए कमाउण वेले बापू कहिंदा पुत अज तेरे ने इदू पहलां भी 2 दिन पाड़ के सुट्टदा रहा तैनूं दर्द नहीं हुंदा सी जिवें पहलां वाले बजटां वेले दर्द नहीं हुंदा सी सानूं 1-1 रुपये का भी दर्द है क्योंकि वह आम लोगों के पैसे ने कितों साडा रुपया भी बचता होवे असीं कहिंदा यार कोई गल नहीं रुपया बचाओ खजाने च तां हुंदा असीं इस तरीके नाल चला रहे हैं सर पंजाब नूं असी पंजाब के खजाने इस तरीके ने चला रहे हैं कि वह जिहड़ा पैसा आया वो किसी ना किसी के हाथ छाले पे ने वो टैक्स देने वेले असी वो छालिया का जिहड़ा वह मुल पाना चाहते तो छालिया का मुल उदों पऊगा जदों उन्हें बिजली फ्री मिल गई जदों उन्हें सिक्ख्या वो बच्चे फ्री मिल गई उन्हें इलाज फ्री मिल गया उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया फिर वो उन्हां दा मुल पऊगा जी सो मैं आम तौर पर जिहड़ा बजट के की हुंदा जी आम तौर पर ना गरीबां वालियां चीज़ां जिहड़ियां महंगियां होंदियां बजट देखो तुसीं चाहे यूनियन बजट होवे BJP वाले बोल रहे सीगे कि बड़ा प्यार है
बीजेपी नूं पंजाब नाल कहा सी ना, बहुत ज़्यादा मुहब्बत करते हैं बीजेपी नूं पंजाब नूं। पहली गल तो जिहड़ा यूनियन बजट है उहदे विच पंजाब दा ना ही नहीं सी किते। नंबर दो, जी इन्नी मुहब्बत करते हो तो 26 जनवरी नूं साडी झाकी क्यों कढ़ती जी विचों? पंजाब की झाकी कढ़ के तुसीं आज़ादी का जश्न मना लोगे? ये प्यार है साडे नाल? ते अच्छा जे ना लड़दे तां कोला भी श्रीलंका दे उपर दी लैके आओ, उड़ीसा तो आना कोला लियाना इत्थे है। मैं जो मंत्री साहब नूं कहा, मंत्री साहब जिहड़ा कोला असीं लियावांगे उड़ीसा तो, तुसीं कहिंदे भाई श्रीलंका लैके आओ उपर दी मुंद्रा एयरपोर्ट ते उत्थों लै जाओ। मैं कहा जो कोले नाल असीं की करदे आ? कहिंदे बिजली बनाऊंगे। मैं कहा बिजली नाल असीं की करदे आ? कहिंदे चौल पैदा करदे हो। मैं कहा जो चौल लैने हुंदे ने सारे देश ने वो तो स्पैशल ट्रेना ला के एक मिनट च ले जाने हो। मैं कहा फिर ऐ करया करो जिहड़ियां माल गड्डियां ने वो भी वाया कराची ले जाया करो, उधर दी साथों तो सीधा लै जाने चौल, तो सानू कहने वाया श्रीलंका आओ तो कि जाके उन्होंने माफ़ किया। कहते चलो कोई नहीं आप दे हिसाब न ले जाओ। ये प्यार है जी उन्हों का साढ़े नाल बीजेपी का। सो पहला जिहड़े बजट आउंदे ना टीवी ते बजट देखते हुंदे सी, एक पासे वित्त मंत्री का भाषण चली जाता हुंदा, नाल नाल वो दसी जाते होंगे ने भी आह चीज़ आए कहता आ सस्ती आ महंगी। सब तो पहला महंगिया आने की खबर आँदी गरीबां वाली चीज़ा महंगिया, बिजली दे बल्ब होए महंगे, साइकल महंगे, साइकल दे पैडलों ते लग्या टैक्स, टल्ली महंगी, चप्पलां महंगिया है जी, चाह पत्ती महंगी, स्टील दे भांडे महंगे, पेन ते पेंसलां महंगिया, शार्पनर जिहड़े पेंसिल नूं घटदे ने उह महंगे, लस्सी ते परौंठियां ते GST टैक्स लाता, मझां दी फीड महंगी, खल महंगी, सारियां चीज़ां गरीबां दे वरतण वालियां ने। ते फिर आउंदा सस्तियां दा 40 लाख तो उपर वाली गड्डिया 7% छोट। गरीब ने कदे 40 लाख वाली गड्डी ते कदों बहने जी? कदे बहने? 50 लाख तो उपर आमदन वालियां नूं इनकम टैक्स दे विच 15 लाख की छोट। गरीब अमीर ये बजट अमीरां दा हुंदा सी, गरीबां वाली चीज़ तो सारी ही महंगी। ताइयों गरीब पुछदे रहिंदे वी बजट जिहा आऊगा, एक बजट जिहा हुंदा जां उह च महंगा हुंदा हुंदा समान किते ऐतकी तां नहीं होऊ। ऐसे करके ऐतकी जिहड़ा लोग कहिंदे ने शुक्र है कुछ महंगा नहीं होया, इन्हां ने सानू दित्ता ही है। सो मैं नाल नाल क्योंकि साडे जिहड़े MLA साहबान ने मंत्री साहबान ने बड़े खुश ने भी बड़ा वधिया बजट है, बड़ी वधिया सरकार चल रही है, जिधर जाने बल्ले बल्ले है, फेसबुक ते भी बल्ले 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 वो शेरा बल्ले। मैं थोनू भी एक गल कहनी चाहना स्पीकर साहब, जे थोड़ी इजाजत हो मैं चेयर की बजाय थोड़ा जहा इधरलियाँ चेयर एड्रैस कर दूँ। मैं थोनू भी एक गल कहनी चाहना कि अपन मौका दिता लोगों ने तो हंकार नहीं करना, क्योंकि देखो मुहम्मद बख्श ने लिखा है बहुती खुशी भी गमी बराबर, बहुती खुशी भी गमी बराबर, इस विच शक ना जानी सुक जांदे ओ रुख मुहम्मद जिन्हां नूं बहुता पानी। सो बाली खुशी नहीं मनाउणी भी असीं पता नहीं, हजे तां बहुत कुछ पिया, बड़े काम पए ने, हजे तां सेर चों पूणी भी नहीं कत्ती आपां। सो हलीमी नाल लोगों को जाओ, अफसरों को जाओ, विरोधी पार्टी वाले कोई आते ने कोई दसते ने मसला, ये ना समझो कि तो इन्हों का वो लोगों का, देखो इन्हों भी वोटा उस लाइन च ही खड़े सीगे, उस लाइन च ही अपन वोटा पईआं, उस लाइन च ही इन्हों पईआं ने, जदा होवे ना इन्हों की लाइन वक्री हो गई सी। सो मैं ही कहना चाहना कि जे लोगों ने मौका दिता तो उन्हू लोगों वरतो, लोगों उत्ते ना वरतो, जिमें इदू पहलां नहीं सरकार लोगों उत्ते ताकत वरतिया रही, लोगों वरतना चाहिए। सो मैं इदू पहलां मेरे जिहड़े कुलीग सीगे जिन्हां ने पंजाब लई बजट पेश कीते जां वख वख महकमां दे मंत्री रहे, उन्हां लई मैं कहना चाहुंदा कि उन्हां ने कदे भी मतलब इस तरह नहीं सोचा कि आ फाइल जिहड़ी है जे मैं साइन कर दूंगा तो ये लोगों की प्रभाव पेगा। मेरे को बहुत सारिया यह जी फाइल आने
कि मैं सोच के लगता यार की सोच के साइन करते, सिर्फ तो सिर्फ टैक्स लोगों वास्ते बने ने, कुछ आपदियाँ भी सहूलत छोड़ो। असी भी जिमें कहा कि असी पेंशन जीडिया ने वो एक करती तो लोगों ने दोबारा चुन लेंगे थोनू, तुसी सगो ये दुआ करया करो, तुसी ये क्यों रौला पाने को पेंशन क्यों घटा रहे हो जी, तुसी ये दुआ करया करो जी पेंशन घटा दो, असी तो हमेशा चुने ही जाते रहेंगे, चुनिया हुए तनखाह तो नहीं घटाई ना, तुसी ऐ क्यों कही जाने भी अगली बार पेंशन लगू जी। सबका बनने की कोशिश ना करो, मौजूदा रहो। आ गई हूं तो ना तुम जितते हो ना रोंद उ ने जिन्होंने यह डर है भी अगली बार सबका बनेंगे पक्का। सो मैं देखो ये बजट दे विच मैं खेती बारे उस दिन डिटेल च बोलता, खेती नू नवें तकनीकां नाल लैस करांगे, एजुकेशन स्कूल नू नवें तकनीकां नाल लैस करांगे, और यूनिवर्सिटीज की गल चली है यूनिवर्सिटीज नू कदे भी घाटा नहीं रहण देवांगे असीं। राजा बड़िंग जी ने यूनिवर्सिटी की गल की है जनाब, उही यूनिवर्सिटी सानू पैंदी, उस यूनिवर्सिटी के होस्टल च उस यूनिवर्सिटी के इंटर यूथ कॉलेज कंपीटिशन च जांदे रहे हां। सो उस यूनिवर्सिटी जाके तो अज भी यादा पुरानी जिहड़ियां ताज़ा हो जांदियां ने। मैं कहा सी तुसीं बिल्कुल सही कह रहे हो कि विद्या जिहड़ी उह करजे थले नहीं होनी चाहीदी, 990 करोड़ तो असीं रखे ही है, पर जदों भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी या PAU या गढ़वासू जिन्हें भी पैसे मंगणगे असीं उन्हां लई हाजिर करांगे पैसे, जितों मर्जी लिया के दईए, असीं एजुकेशन नूं कदे भी पिछे नहीं लैके आउंदे। और सब तो वधिया गल इह है कि एजुकेशन ते हैल्थ हुण बाकी पार्टियां दे मैनीफेस्टो च भी आ गई, पहलां तां गल ही नहीं करदे हुंदे सी इहनां दी, पहलां तां बस मेरे कोल जदों मैं MP बणिया नवां नवां मैं सोचिया भी परमात्मा ने बड़ा वड्डा मौका देता, देश दे 130 करोड़ चों 543 लोकां च चुणे गए, बड़ी वड्डी गल है, पैसे मिलणगे लोकां दे टैक्स दे पैसे ने, लोकां नूं दिया करांगे ते मन नूं सकून आऊगा। मेरे कोल आए 10 दिन ही हजे होए सी, पहली किश्त आई सी हजे, आई पंचायत एक कहिंदे MP साहब पैसे चाहिए, मैं कहा जी बिल्कुल, मैं दसदा कि की आदतां पाईआं होईआं सी लोकां नूं इहनां ने, मैं कहा जी पैसे मिलणगे थोनू थोड़े पैसे ने, किन्ने पैसे चाहिए, रुपया 3 लख चाहिए जी, मैं कहा बिल्कुल जी 3 लख मिलेगा, थोड़ा दसना पैंदा भी कादे वास्ते, फिर मैं जारी कर दिना जी अंकड़ा विभाग नूं पैसे चले जाणगे। शमशान घाट दीआं कंधां उच्चियां चकणियां ने जी, मैं कहा की गल तुहानूं अपने पिंड दे मुरदिआं ते यकीन नहीं हैगा कि किते रात नूं आई ना जाण वापस मसां छड्ड के आया। मैं कहा यार कोई स्कूल च लाइब्रेरी बना दीए, कोई 2 कमरे पा दीए, कोई गरीबां दे बेड़े च समरसीबल पंप ला दीए, कोई थोड़े पिंड RO फिल्टर वाटर वाला ला दीए, सोलर लाइटां लवा लईए पिंड च सारे च। वो मैनू कहिंदे जी आ जिहड़ियां तुसीं गल्लां कहिंदे हो ये तुसीं कर सकदे हो, मैं कहा हाँ जी पैसे थोड़े ने मैं कर सकदा, कहिंदा माफ़ करो जी फिर सानू तां हुण तक जिन्ने मिले ने शमशान घाटां दीआं कंधां वास्ते मिले ने जी, सानू अगे सोचण ही दित्ता जी टोभा शमशान घाट, बस इदू अगे सोचण ही दिंदे सी। सो लोकां नूं भी इंज लगदा सी कि पता नहीं बस यही होंदे ने पैसे, यही ग्रांट हुंदी है, हुण जदों लोकां नूं पैसे मिलण लगे ने उहनां दे विकास वास्ते उहनां दे बच्चों वास्ते उहनां दे फ्यूचर दीआं पीढ़ियां वास्ते, तां लोकां नूं पता लग्गिया कि ग्रांट कुछ होर भी हुंदी है, कि पैसा साडे ही हुंदा इह, कोई आपदी जेब चों नहीं दिंदे, अख्तियारी फंड कहिंदे ने, इहदा मतलब अख्तियार दित्ते होए ने पब्लिक ने उहनां नूं। सो कई अजे भी आए बड़े चुप चाप जे बड़े साऊ कहाउंदे रहे, पर पंजाब नूं ऐसा मांझा लाया उन्हां ने कि पता ही नहीं लग्या। उहदे वास्ते तां इक बड़ा वधिया इक ओ किसे ने कहा कि भेडू वांग हलीमी तेरी जात दिया वगैड़ा, भेडू वांग हलीमी तेरी जात दिया वगैड़ा, सूरत तेरी फरिश्ते वर्गी पर खा गया सारा बाड़ा। मूह जिहड़े ने ओ फरिश्तियां दे ला के हलीमिया भेडू वालियां दिखा के बघियाड़ जिहड़े ने ओ पंजाब दे खजाने नूं ते पंजाब दे लोकां नूं लुटदे रहे ने सर, ते हुण पंजाब दे लोकां ने जे सानूं मौका दित्ता है तां सानूं इह सारिआं नूं इस मौके दा फायदा उठाउणा चाहीदा है, नॉट ओनली दिस साइड, जे हिस्टरी लिखी जाऊगी पंजाब दी कि पंजाब जदों दोबारा लीह ते चढ़िया सी तां उस वेले पंजाब दी सदन दे मैंबर कौन कौन सी,
तो वो थोड़ा नाम भी आऊगा जनाब, थोड़ा नाम भी लिखा जाऊगा। ये मैंबर से ये चुने हुए सी, ये सरकार नू समय समय से सरकार नू टोकदे सी, सरकार नू कहंदे सी इत्थे थोड़ा जिहा ऐ लगदा जिवें ऐ हुंदा होवे ऐ कर लो। तो सरकारां अच्छियां सरकारां उही ने जिहड़ियां विरोधियां दे सुझावां नू लै लैण, नहीं तो तुहानू पता है जिहड़े रोग नाल बकरी मर गई उही रोग भठोरे नू। दिल्ली तो आपां इक्को जिही आ, थोड़े ते भी उही ईडी आउंदी है, साडे ते भी आउंदी है, थोड़ियां भी सरकारां खोण लग गए, कदे कितों खोली कदे कितों खोली। नाराज सभा च थोनू बोलन देंदे ना सानू, साडे वाले भी चार पांच सस्पेंड करते, थोड़े वाले भी करते, उस तो बोलने ही देंदे। तो थोड़ा जिहा उत्थे वाला भी सोच लिया करो कि अपने तो उत्थे करी जांदे, तो इत्थे हर तीजे दिन राज्यपाल कोल जा वड़दे हो, उत्थे राष्ट्रपति कोल चलीए कि आपां भाई सानू भाई नहीं जाण देंदे। राजस्थान नू तां हजे वाया श्रीलंका ही है, कर लियो गल। ये कांग्रेस वालियां जां नॉन बीजेपी सरकारां नू वाया श्रीलंका है कोला, बाकियों नू नहीं है। ये क्योंकि ये कहंदे आ इक्को ही रंग का गुलदस्ता होवे बस। सर जे गुलदस्ते दे विच इक्को रंग के फुल होणगे, दो दिन तो बाद देख नहीं सकदे तुसीं उहनू। मेरा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के रंग ने, तरह तरह के हरेक रंग की खुशबू है, हरेक फुल की खुशबू है, हरेक रंग खिड़दा। तमिलनाडु का कल्चर हो रहा है, गुजरात का कल्चर हो रहा है, पंजाब का कल्चर हो रहा है, जम्मू कश्मीर का हो रहा है, तरह तरह के रंग। वह कहें ना जी इको रंग होना चाहिए बस सारे देश, इदा किमें हो जूगा जी, इदा नहीं हो सकता। सो इको रंग नहीं हो सकता, सारे फुल ने, आही लोकतंत्र है। ठीक है 18 हो 20 हो 25 हो, पर यह मतलब यह नहीं है कि असी थानू इग्नोर कर देंगे। हाँ तुसी जेड़ा कहने हो कि तुहानू शायद तुहाडे चेहरे जेड़े ने वो जिस वेले तुसी बोलते हो उदों टीवी ते नहीं आउंदे, वो तुसी वैसे ही बहुत बाहर खड़े ने सारे, उन्हां ते साडे तो पहलां आ जांदे ने, सो तुसी उत्थे बोल लैंदे हो। पर हाँ असी क्योंकि इहनू ई मेरी स्पीकर साहब नाल गल हुई है, बजट वित्त मंत्री साहब ने करना अगले सैशन तो पहला, तुहाडे मूहरे कंप्यूटर, तुहाडे मूहरे कैमरे, वड्डियां स्क्रीनां, इस आपां मुकद्दस हाउस नूं इक मैं कहना नमूने दा हाउस बनावांगे, ताकि बाहरले स्टेटां वाले देखण आया करन कि इहनां दी लोकसभा इहनां दे शिमले दे विच हैगी है। वैसे ही बहुत सोहणे हो, हुण फोटोआं लगण वाला काम लोकां ने नहीं कीता, असीं की करिए फिर हुण। सो साडे ते ना दोष दिओ। सो मैं अखीर दे विच सर यही कहूँगा कि हर गल जिहड़ी है वह पैसे वास्ते नहीं हुंदी, हर गल हर काम जिहड़ा है वह आपदे वास्ते नहीं हुंदा, लोकां लई भी कुछ करीदा हुंदा है, और लोकां ने जे मौका दित्ता तो फिर तो वध करीदा हुंदा है। जे लोकां तों फतवा लै के लोकां दे विरुद्ध हो गए फिर दुगना पाप है, क्योंकि लोगों के पब्लिक के परमात्मा बख्शता। मेरे वर्गे किसी कमले ने मेरे वर्गे कमले नू कहा, कहिंदा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ला लैंदा। मैं तो किसी होर काम कार सर, साढ़े बहुत सारे वित्त मंत्री साहब, साढ़े सारे धालीवाल साहब अमरीका रेंदे सी बच्चों नाल, कोई कोई कुछ काम ETO सीगे जी, कोई कोई अपने बिजनेस से लग्या सी, कोई वकील है, प्रिंसीपल साहब रिटायर हो गए सीगे, तो बहुत सारे साडे नॉन पोलीटिकल बैकग्राउंड तो आए ने। सानू की लोड़ सी पंगा लैण दी बई, जे जे तुसी चज दे निकले होंदे सानू की लोड़ ही नहीं सी इस हिसाब दा कम्म। सानू रिस्क तां लैणा पिया, दिल्ली भी रिस्क लैणा पिया, वह भी कहिंदे सी साढ़े कप्पे नहीं कानून बनेंगे, जीत के आईए, असीं तां जित के आ गए, आप सड़क ते बैठे ने हुण। सो मेरे वर्गे नू कहा, कहिंदा जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ते ला लैंदा, हुण तक तू मेरिया मित्रा पैसे बहुत कमा लैंदा, पैसे नाल पोजिशन बनदी, कोई कारोबार चला लैंदा, धनिया की सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लैंदा। अग्गों जवाब आया, गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लैंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां इह समां सब नूं ढा लैंदा, किन्ने धनी हो तुर गए कौण किसे दा नां लैंदा, कौण लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लैंदा। जे गुरु नानक साहब दुकान खोल के बह जांदे सज्जन ठग वर्गिआं नूं कौण सुधारदा, भाई लालो ते मलक भागो दीआं रोटियां चों फर्क कौण कढ़दा कि किहड़ी खून दे हराम की कमाई है ते किहड़ी किरत की कमाई है, पंजिआं नाल पहाड़ कौण रोकदा, घर घर जाके पिंड पिंड जाके सच दा होका कौण दिंदा। सो असी उहनां गुरुआं दे चिन्हां ते चलीए, थोड़ा बहुत भी चलीए, सानू उहनां गुरुआं ने नसीहत भी दित्ती है कि गरीबां दे मजलूमां दे नाल खड़न दी
ते जुलम दे खिलाफ लड़न दी, ते असी उन्हां गुरुआं दे पाए हुए पूर्णियां ते चलिए। ते मैनू उम्मीद है कि सब दा साथ रहा तां इही पंजाब जिहड़ा साडा एक बार फिर जिवें पहलां भी कहा जांदा कि भारत है वांग मुद्री विच नग पंजाब दा, इस नग दी चमक होर वधूगी तुहाडे सारिआं सहयोग नाल। तुसीं मैनू मौका दित्ता और सारे मेरे जिन्ने भी कुलीग साथी ने तुसीं बहुत प्यार सत्कार नाल सुणिआ, बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत।